हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए काला चना और आलू की सब्जी लेकर आई हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इस सब्जी को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, ये बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। काला चना और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम के करीब काला चना या 3/4 कप काला चना, और इसे मैंने 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, और दो मीडियम साइज के आलू। मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें काले चने को डाल देंगे और आलू को भी बिना कट किए कुकर में डाल देंगे। चने को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। पानी थोड़ा ज्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि इसे बाद में हमें ग्रेवी में यूज करना है। और आधा बड़ा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चने को कुक कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर को बारीक काट कर भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं, बट पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी थिक बनती है। अब हमारे चने भी पक कर रेडी हो गए हैं। चलिए इसे दो उंगलियों के बीच में दबा कर देखते हैं। ये अच्छी तरह से मैश हो जा रहे हैं, यानी हमारे चने अच्छी तरह से पक गए हैं। चने को पकाते वक्त हमने जो पानी डाला था उसे मैंने एक ग्लास में निकाल लिया है। इसे हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। और आलू को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। चलिए अब मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले लेंगे। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 3 से 4 लवंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपत्ता और 1 बड़ा चम्मच जीरा। इन मसालों को अब तेल में डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। खड़े मसाले डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज का प्याज। इसे मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें, इसे मैंने बीच में से काट लिया है और इसे अभी तेल में ऐड कर देंगे। अब प्याज और मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक प्याज थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। अब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 20 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो गए हैं। चलिए अब इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन मसाला डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले अब फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम पहले रेडी किया हुआ टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों में से अच्छी तरह से तेल ना छूटने लगे। इसे लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमारा मसाला फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि तेल मसाले से अलग हो गया है। अगर आप मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए अब हम इसमें ये उबले हुए चने ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन चनों को भी मसालों के साथ 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे।
इसे बीच बीच में चलाते रहना है। चनों को फ्राई करने से सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा। चार से पांच मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे और इसे भी दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आलू को चनों के साथ पहले ऐड ना करें, इसे बाद में ही दो मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अगर इसे पहले ऐड कर दिया तो आलू मैश हो जाएंगे और सब्जी में खड़े आलू अच्छे लगते हैं। हमारे चना और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि किनारों से तेल निकल रहा है। आप इस सब्जी को ऐसा ड्राई भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। लेकिन चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। अब हम इसमें ये एक गिलास पानी ऐड करेंगे जिसे हमने चने उबालने के लिए यूज किए थे। आप चाहे तो सादा पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चने का पानी यूज करने से सब्जी का टेस्ट और अच्छा आता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान में रहे कि चने उबालते वक्त भी हमने नमक यूज किया था, इसलिए नमक ध्यान से ही डालें। अब नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ चने और आलू को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। हमने सब्जी को 5 मिनट के लिए पका लिया है, हमारी सब्जी अब लगभग रेडी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। गरम मसाला पाउडर बाद में ही ऐड करें, इससे सब्जी में गरम मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और धनिया के पत्ते को भी सब्जी के साथ 1 मिनट तक पका लेने से सब्जी में धनिया के पत्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, अब गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, ना ही बहुत पतली ना ही बहुत गाढ़ी, एकदम परफेक्ट बनी है। चलिए अब इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। और इसे कुछ अदरक के टुकड़ों से और हरी मिर्च से गार्निश कर लेते हैं। आप इस चने और आलू की टेस्टी सब्जी को पराठा, नान या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस चने और आलू की टेस्टी सब्जी को जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।